मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उज्जैन में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मंगलवार को उज्जैन जिले के नागदा में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। सोमवार देर रात नागदा निवासी एक 20 वर्षीय युवक के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वो पेशे से ड्राइवर है और इंदौर से 2 अप्रैल को एक ट्रक में सवार होकर नागदा पहुंचा है, जिसके बाद युवक के परिवार के 9 सदस्यों को आइसोलेट किया गया है। दरअसल युवक को नागदा पहुंचने के बाद 4 अप्रैल से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद पिता ने उसे जबरन जांच के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में जांच में आराम नहीं मिलने के बाद डॉक्टरों ने उसे उज्जैन रेफर कर दिया, जहां उसके जांच के सैंपल लिए गए हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं 4 अन्य लोगों की संक्रमण में आने से मौत हो चुकी है। नागदा में संक्रमित मरीज के मिलने के बाद क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऐशबाग थाने के 8 पुलिस और परिवार के लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद ऐशबाग, जहांगीराबाद और साथ ही टीटी नगर पुलिस थानों में तैनात पुलिस कर्मियों के घर जाने पर रोक लगा दी है। न्यूज़ डेस्क।